हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने वादा किया था कि पॉलिटी की जो 1500 प्लस मतलब 1500 से लगभग 2000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी वो तो चलेगी ही, वैसा ही बिल्कुल सेम आपको जो है ना उसी अंदाज में आपको ज्योग्राफी का मतलब भूगोल के जो है ना 1500 प्लस से 2000 मतलब लगभग 2000 जो अति महत्वपूर्ण सवाल होते हैं वो आपको जो है ना उस क्वेश्चन की जो है ना आपको सीरीज चलने वाली है। मतलब आज से हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के आपको जो 1500 अति महत्वपूर्ण सवाल होंगे उसे हम लोग आज से देखेंगे, जो बीपीएससी, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस आपको और अन्य जो कुछ भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, आपको परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होगा। प्लीज वीडियो को जो है ना अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके साथ साथ वैसे अभ्यर्थी जो आपको इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे उनको आप फॉरवर्ड करिएगा ताकि वो भी जो है इसका फायदा और लाभ उठा सके। उसके साथ साथ मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि आपको इसमें एक्स्ट्रा कुछ मतलब आप लोग के लिए अच्छा लाया गया है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं भूगोल के उन सभी क्वेश्चंस में आपको पहली बात तो ये कि ऑप्शंस रहेंगे और ऑप्शंस के बाद जो है ना मैं टिक करूंगा कि ये आपको इसका जो है ना सही उत्तर है। उसके साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी जो है ना मैं पहले भी जैसे देता था वो एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज रहेगा कि आपको ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, उसी को हम लोगों ने क्या किया है उठा के आपको आपके सामने लाया है। तो देखते हैं आपको अति महत्वपूर्ण सवाल जो भूगोल के जो आपको सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले मैं जो है ना ये आपको जो है ना भारत के बारे में बता दूं, तो भारत आपको कुछ एशिया महादेश में आता है। भारत की अगर स्थिति में बताऊं तो ये आपको कैसा स्थिति है, ये भारत एशिया महादेश में आपको स्थित है। भारत की स्थिति एशिया महादेश में है। एशिया में कैसा है ये आपको दक्षिण एशियाई देश है। कैसा देश है आपको? दक्षिण एशियाई देश। दक्षिण एशियाई मतलब साउथ एशिया में आता है ये आपको। जैसे ये एशिया टोटल है तो ये आपको साउथ पार्ट में, भारत किधर पे आता है आपको? भारत आपको साउथ एशिया में आता है, दक्षिण एशिया में आता है, ठीक है। इसकी जो है ना आपको आकृति कैसी है, तो जैसे ही आप लोग भारत की जो है ना इमेज देखेंगे, भारत की सॉरी मैप देखेंगे, तो मैप में आप लोग देख पाएंगे कि आपको भारत की स्थिति ऐसा कैसे है कहीं, मतलब तो इस तरह से आपको इसकी आकृति यहाँ पे 1 2 3 4 एक चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय आकृति, चार कोनों वाली आकृति है। वो रेगुलर है क्या आपको ऐसा है कुछ? क्या नहीं, रेगुलर आपको आकृति नहीं है इसकी, अनियमित है, इरेगुलर आकृति वाला जो है देश है। हिंद महासागर के उत्तर में है। अरे ये तो हिंद महासागर कहां पे है आपको? नीचे में। हिंद महासागर कहां पे है आपको? नीचे में। तो हिंद महासागर की ये उत्तर में आता है, या यूं भी कह सकते हैं कि आपको ये जो भारत है इसके दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। और अगर मैं बात करूं तो आपको ये भारत जो है कहां है? हिंद महासागर के उत्तर में है। बात सेम है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। अक्षांशीय दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो ये भारत किस में आता है? उत्तरी गोलार्ध में आता है। जैसे देखते हैं अपन लोग, ये मान लो कि पूरा ये आपको वर्ल्ड है, ये क्या होगा आपको पूरा विश्व की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें जो है ना वो आपको पूरे अर्थ को दो गोलार्धों में बांटा है, दो अर्धगोला में बांटा है। ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। नीचे वाले को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। तो दो भागों में हमने अर्थ को बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जब हम लोग अर्थ को दो भागों में बांटा तो भारत की स्थिति ऐसा कुछ यहां कहीं पे है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है, ना कि दक्षिणी गोलार्ध में। तो भारत किस गोलार्ध में आता है आपको? उत्तरी गोलार्ध में। आपको ऊपर में आपको यहाँ पे जब इंडिया का मैप देखिएगा, आप ग्लोब में देखिएगा या आपको जो है ना पूरे वर्ल्ड मैप में देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि भारत की स्थिति, भारत की अवस्थिति, भारत का पोजीशन यहाँ कहीं है, इसलिए भारत कहाँ पे आपको आता है? उत्तरी गोलार्ध में आता है, ठीक है। और अगर बात करें, ये तो अक्षांशीय विस्तार में देखा, अगर देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो भारत किस में आता है? पूर्वी देशांतर में आता है। किधर की ओर आता है आपको? पूर्वी गोलार्ध में आता है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको फिर से मैं आपको बता दूं कि नोट्स ही है, तो भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको जो है ना भारत का सातवां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? सातवां स्थान है। मतलब वी कैन से दैट कि आपको एरिया वाइज इंडिया का पोजीशन जो है वो आपको सातवां है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहले नंबर पे कौन है तो आप लोग देखिएगा, लिखते जाइएगा। पहले नंबर पे कौन है? रूस, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको कौन है? कनाडा, ठीक है, याद करते भी जाइएगा, याद कर लीजिएगा जैसे मुझे याद है। तीसरे नंबर पे आपको कौन है? अमेरिका का है। और चौथे नंबर पे कौन है? आपको चाइना है। पांचवें नंबर पे कौन है? ब्राजील है। और आपको छठे नंबर पे जो है ना ऑस्ट्रेलिया है। छठे नंबर पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। और सातवें नंबर पे कौन है? आपका प्यारा सा भारत, आपका प्यारा देश भारत है। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो है ना सातवां नंबर पे भारत आता है, तो याद कर लीजिए। देखिए मैंने बताया पहले नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान किसका है? तो रूस का। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान किसका है? भी पूरे विश्व में सबसे पहला पोजीशन जो है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से देश का है? तो आपको रूस का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस, ठीक है। आपको जो है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ना आपको भारत का कौन सा स्थान है? तो सातवां है। लेकिन ये एक से लेकर के सात के बीच में जितने भी कंट्री जाते हैं उन सबका जो है ना नाम याद कर लीजिए। पहले नंबर पे रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के नाम से जानते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे चाइना, देखिए ना ऐसे भी क्या याद कर लीजिए। चौथे पे चाइना, मतलब दोनों का जो है ना उच्चारण किससे स्टार्ट हो रहा है? च से। चौथे पे चाइना, चौथे पे चाइना, ठीक है। पांचवें पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे जो है ना आपको भारत है। कोई दिक्कत है क्या? जनसंख्या की दृष्टि से जो है ना भारत की स्थिति अगर मैं बात करूं तो फिर से मैं बता रहा हूं एक बार, पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पे रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा, ठीक है, तीसरे नंबर पे आपको अमेरिका, चौथे पे चाइना, पांचवें पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे आपका भारत है, ठीक है। 26 जनवरी अभी जो है ना जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार, किसकी जनगणना के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो है ना सेकंड पोजीशन पे आता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की स्थिति क्या है? सेकंड पोजीशन पे। अभी जो है ना 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूं। अब तो जनसंख्या के दृष्टि से आपको भारत जो है ना पहले नंबर पे आ चुका है, चाइना को पछाड़ दिया है। जो आपको ऑफिशियल डेटा आएगा, सेंसस जो हो रहा है उसका ऑफिशियल डेटा आएगा, तो हम लोग जो है ना पहले नंबर पे जो है ना आ जाएंगे। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 के बाद जो है ना भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इंडिया में टोटल स्टेट्स कितने हैं आपको? 28 और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ये भी हम लोगों ने देखा। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दादर और नगर हवेली, ठीक है, तथा दमन और दीव है। मतलब नवीनतम जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दादर और नगर हवेली है और दमन दीव है, ठीक है। मतलब जिन्हें समामेलित करके एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया है, दादर नगर हवेली और आपको केंद्र शासित दमन और दीव को आपको मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। कोई दिक्कत है क्या? दादर नगर हवेली और दमन और दीव को जो है ना एक केंद्र शासित बना दिया गया है। इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। इससे पहले कौन बना था आपको? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को और आपको लद्दाख को, लद्दाख को भी जो है ना केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था लेकिन अब जम्मू कश्मीर में जो है ना, जम्मू कश्मीर जो है ना एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और आपको लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। इस तरह से भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये हम लोगों ने देखा। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। इस तरह से आपको, अच्छा ये भी आपको लिखा हुआ रह सकता है कि भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। कोई दिक्कत है क्या? 3.28 मिलियन है। अरे मतलब 1 मिलियन में कितना होता है? 1 मिलियन में 10 लाख, तो 3 मिलियन में 30 लाख, तो ये मतलब वही नहीं आ रहा है क्या? 30 लाख हो गया कि नहीं हो गया? और 0.28, तो 0.28 में कितना हो जाएगा आपको? 0.2 में कितना? 1 लाख। मतलब 0.1 में 1 लाख, तो 0.2 में 2 लाख, तो ये क्या 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, तो ये भी बोल सकते हैं। और आपको 3.28 मिलियन में अगर दिया रहेगा ऑप्शन तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये हुआ आपको भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर या आपको 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर।
भारत की अगर जो है ना मैं बात करूं तो भारत पूरे विश्व का जो है 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। भारत में कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? 17.5% जनसंख्या। भारत की अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो भारत में पूरे विश्व की आबादी की 17.5 लोग जो है ना यहाँ पे रहते हैं पूरे विश्व की आबादी का। देखिएगा, ये मान लिया कि हमने ये पूरा विश्व है, ये क्या है आपको, पूरा वर्ल्ड है। इस पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो इस पूरे वर्ल्ड में आपको पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या कितना है? 100 है। तो भारत की जनसंख्या कितना होगा? ये 50, 25 का बन गया, उसका आधा कितना? 12, मतलब 12 से कुछ ज्यादा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आपको पूरे विश्व में यहाँ पे टोटल 100 लोग रहते हैं, तो अकेले इतने क्षेत्र में जिसको हमने क्या किया, आपको एक कलर किया, ये जिसमें हम लोगों ने शेडो बनाया, इस क्षेत्र में केवल आपको भारत में केवल 17.5 लोग रहते हैं। पूरे विश्व की आबादी अगर 100 है तो भारत की आबादी 17.5 है। कोई दिक्कत है क्या? मतलब पूरे विश्व की आबादी का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। और आपको भारत का जो है ना, मैं मैप बना के देखता हूं, ये रहा आपको भारत का मैप। तो ये देखिएगा, ये ऊपर में क्या हो गया आपको उत्तर, जिसको नॉर्थ कहते हैं उत्तर, नीचे में क्या हो गया आपको साउथ, दक्षिण, आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा, साउथ दक्षिण, और आपको इधर हो जाता है पश्चिम, और इधर हो जाता है आपको पूर्व। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है ना 3214 किलोमीटर है। ऊपर से नीचे जब आते हैं तो कितनी लंबाई है? 3214 किलोमीटर। अगर मैं भारत का मैप बनाऊं तो ऊपर से नीचे तक जब लंबाई मापते हैं, मतलब नॉर्थ से जो है ना साउथ तक, तो 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम तक जो है ना आपको इसकी लंबाई कितनी है? पूरब से पश्चिम तक आपको इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933, पूर्व से पश्चिम। तो किधर से किधर लंबाई ज्यादा है? उत्तर से पूर्व वाली जो लंबाई है, ये वाली लंबाई, वो आपको ज्यादा है पूर्व से पश्चिम के मुकाबले। पूर्व उत्तर से जो है ना दक्षिण 3214, पूर्व से पश्चिम 2933। इस तरह से हम लोगों ने ये स्लाइड भी देख लिया। ये सब जो है ना नोट्स बताने का जो है ना कारण ये है कि मैं क्वेश्चंस जब कराऊंगा तो आपको पूरे के पूरे याद रहेंगे और आपको जो है ना याद करने में आसानी होगा। आगे देखते हैं। अगर एक चीज और मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि जैसे हम लोगों ने देखा कि भारत में जो है ना विश्व की आबादी का कितने लोग रहते हैं भारत में, तो भारत में रहते हैं लगभग 17.5 लोग। तो भारत की जो है ना क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है ना विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। पूरे विश्व की क्षेत्रफल का आपको भारत का क्षेत्रफल कितना परसेंट है? तो 2.4% है। सोचिए कि एरिया में कितना कम है और पॉपुलेशन में, जनसंख्या में कितना ज्यादा है। आप लोगों को पता ही है कि आपको भारत में बहुत ज्यादा जनसंख्या तेज गति से बढ़ भी रहा है और बहुत ज्यादा जनसंख्या है भी। अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा देखिएगा, ये रहा, एक सेकेंड, यहां पे एक फिर से हमने क्या बना दिया, टोटल विश्व, पूरा विश्व बनाया। जैसे ही विश्व बनाया तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां पे अगर ये पूरा विश्व का जो है ना क्षेत्रफल है तो भारत का क्षेत्रफल मात्र 2.4%। ये 50-50, 25% का आधा कितना? 12.5 हो गया। 12.5 का भी आधा कितना? 6 के लगभग, 6.25, उससे भी कम, 3 उससे भी कम, मतलब जो है ना इतना कहीं जो है ना, इतना क्षेत्रफल में जितना को हमने कलर किया, मात्र अगर पूरे विश्व का क्षेत्रफल इतना है तो भारत का क्षेत्रफल मात्र जितना पार्ट को हमने कलर किया उतना ही है, मतलब 2.4% है। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का मात्र इतना एरिया ऑक्यूपाई करता है भारत, ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल भी हम लोगों ने देखा, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक है। आगे हम लोग जानकारी को बढ़ाते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल मैंने अभी जस्ट बताया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, इसको जो है ना 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम लोग बात करें तो भारत में जो है ना गांवों की कुल संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं 6,40,932 है। गांव की जनसंख्या जो है ना भारत का कुल जो है ना 6,40,932 है। 6 लाख से ज्यादा, मतलब जो है ना 6,40,000 कम से कम तो याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। 6,40,000 से ज्यादा भारत में कुल गांव है। अब हम लोग का जो है ना स्टार्ट होता है यहां से पहला क्वेश्चन।
इस तरह से हम लोग बहुत ही ज्यादा आपको ज्योग्राफी समझने में आपको आसानी साबित होगा। प्लीज वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, भारत विश्व का जो है ना पांचवा बड़ा देश है। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन है आपको आपके पास कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताना है, जो सही है उसे जो है ना आप लोग बताइए। तो सबसे पहला बात, भारत विश्व का पांचवा बड़ा देश है। विश्व में पांचवा बड़ा देश है क्या? नहीं, जो जो सही है उसको सही लगाएंगे, जो गलत है वो गलत लगाएंगे, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है? सबसे पहला वाला गलत हो जाता है। मतलब क्यों? क्योंकि भारत विश्व में कौन से नंबर पे आता है, ठीक है, सातवें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कौन से नंबर पे आता है? एरिया वाइज सातवें नंबर पे आता है, इसलिए पहला गलत। अब जिस जिस ऑप्शन में एक है, ये भी ऑप्शन गलत और ये भी एक गलत, क्योंकि इसमें भी क्या है, एक है, क्योंकि पहला ऑप्शन में ही लिखा है यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। तो ये तो बिल्कुल सही है ना, अरे क्योंकि जो है ना 2.4% जो है ना एरिया आपको भारत विश्व के क्षेत्रफल का, भारत का क्षेत्रफल कितना है 2.4%, बिल्कुल सही। समूचा भारत उष्णकटिबंध में है, अरे नहीं, पूरा का पूरा भारत जो है ना आपको उष्णकटिबंध में नहीं है, आपको कुछ उपोष्णकटिबंध में भी उसका कुछ क्षेत्र आता है, इसलिए तीसरा भी गलत हो जाता है। और जैसे ही आपको तीसरा ऑप्शन गलत होता है, तीसरा किसमें है, इसमें है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। खैर फिर भी देखते हैं कि आपको 82.5 डिग्री जो है ना पूर्वी देशांतर का उपयोग, भारतीय मानक समय, जब भारत का जो है ना आपको टाइम निर्धारित किया जाता है, तो ये 82.5 डिग्री जो आपको पूर्वी देशांतर है, ये पूर्वी देशांतर की ये जो रेखा है, ये 82.5 से 82 डिग्री 30 मिनट से जो है ना आपको 82.5 कह सकते हैं, 82 डिग्री जो है ना 30 मिनट पूर्वी देशांतर से भारतीय मानक समय को निर्धारित किया जाता है। भारतीय मानक समय को कब किससे निर्धारित किया जाता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, इसको अक्षांश और देशांतर के बारे में अभी थोड़ा सा बताऊंगा, आगे आएगा वीडियो जो है ना उसमें, आगे जो कुछ भी ऐसा जो है ना नोट्स आएगा तो उसमें बताऊंगा, अभी बताने की कोई जरूरत नहीं महसूस कर रहा हूं, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही तो देखा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है ना विश्व में सातवां पोजिशन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है ना विश्व में कौन सा स्थान है, तो सातवां है, ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने है कि आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में सातवां पोजीशन है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा बड़ा देश है, ठीक है। तो फिर से आपको जो है ना क्वेश्चन आ गया कि विश्व में कौन सा, तो वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, भारत जो है ना आपको सातवां बड़ा देश है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है तो आपके लिए फायदेमंद है, याद हो जाएगा। फिर से मैं आप लोगों को मैं बताऊं कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का तो 2.4% है, अभी हमने बताया भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन जनसंख्या कितना परसेंट है, 16% नहीं, 17% भी ऑप्शन में है, 18% भी है, हमने क्या बताया था 17.5%। तो आपको इसमें उत्तर जो है ना 17 आप जो है ना एग्जैक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि 17-18 तो लगा नहीं सकते क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, तो 17 लोग जो है ना भारत में आपको विश्व के जनसंख्या का 17% जो है ना भारत में निवास करते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वर्ष में लगभग कितने गांव हैं। तो अभी हम लोगों ने भारत वर्ष में कितना बताया कि भारत पूरे भारत में लगभग 6,40,000 के आसपास गांव हैं, 6,40,000 गलत, 6,30,000 बिल्कुल गलत, ठीक है, 8,00,000 गलत, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो है ना मतलब इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, ये इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि आपको 6,40,000 आपको जो है ना पूरे भारतवर्ष में गांवों की संख्या है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो कौन सा जोड़ा सही है पहले ये देख लो तो पता चल जाएगा कि जो है ना जो नहीं सही है उसको लगा देना गलत, ठीक है। वैसे साफ दिख रहा है कि भारत में राज्यों की संख्या जो है ना 26 नहीं, कितनी है, 28 राज्य हैं और कितने 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसीलिए 8 यूनियन टेरिटरी हैं, इसीलिए हमने पहले ही बता के रखा है आपको क्वेश्चन याद करने में आसानी। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर या 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर सही उत्तर, ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार, अभी इसके बारे में जो है ना मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, बिल्कुल सही है, भारत का जो है ना देशांतरीय विस्तार
जो है ना 68 डिग्री 60 डिग्री, ये भी बिल्कुल सही है। भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं 28 है, ऐसे भी जो पूछा है कौन जोड़ा सही नहीं है, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये जो है ना सही नहीं है, यही वाला क्या हो जाएगा आपको, ये तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे क्या है सही, और पूछ रहा है क्या सही नहीं है, इसलिए ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे गलत। आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी। इसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे दिया हुआ है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, 28 राज्य हैं और आपको कितने 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो नया वाला जो है ना केंद्र शासित प्रदेश बना है वो है दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, ठीक है, उसके बाद में बताऊंगा कि कैसे जो है ना आपको भारत की स्थिति क्या है विश्व में, उसके बारे में मैं अभी बता रहा हूं थोड़ी देर बाद। भारत विश्व में सातवां बड़ा देश है, ठीक है, कौन सा कथन असत्य है, तो ये वाला तो सत्य है तो ये क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि असत्य पूछ रहा है। यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पढ़िएगा कि सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है, ये देखेंगे कि अरे ये तो सातवां बड़ा देश है ये लगाए ऑप्शन और आगे बढ़ गए, नहीं बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, तो आपको जनसंख्या की दृष्टि से यह भी सत्य है तो इसलिए यह भी गलत हो जाएगा, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग सब सारी बातें कर रहे हैं, इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200, तो इसकी जो भारत का जो है आप लोग मैप बनाइएगा तो इसकी भूमि सीमा का विस्तार जो है ना 15,200 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा गलत। तो आपको पूछ क्या रहा है, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, अरे नहीं, भारत का मैप जैसे ही याद करिएगा तो सबसे जो है ना पूर्व सूर्योदय की अगर मैं बात करूं, सूर्योदय कहाँ होना चाहिए, सूर्योदय जो है ना सबसे पहले पूरब में होगा, इधर क्या होता है आपको, इधर पूरब है, ठीक है, और आपको इधर क्या है पश्चिम है, ठीक है, और इस तरह से क्या इधर क्या है आपको दक्षिण, और ऊपर में क्या होगा आपको उत्तर। तो हम लोग बात करते हैं कि सब पूरब सबसे पहले जो है ना आपको सूर्य पूरब से उगता है तो सबसे पहले पूरब में जो है ना सूर्योदय होगा, और सबसे पूरब में जो है ना कौन सा राज्य है, अरे सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश है, कौन है अरुणाचल प्रदेश, इसलिए सबसे पहले सूर्योदय कहां पे होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में होना चाहिए ना कि मिजोरम में, और सबसे मतलब यहां पे सूर्यास्त सबसे लास्ट में कब होगा कहां पे होगा तो गुजरात में, क्योंकि सबसे पश्चिम में कौन है गुजरात है, तो सबसे लास्ट में जो है ना आपको सूर्यास्त कहां पे होगा, सबसे लास्ट में जो है ना सूर्यास्त आपको गुजरात में होगा, ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना सूर्योदय कहां पे होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा, क्योंकि सबसे पूरब वाला राज्य कौन सा है आपको भारत का अरुणाचल प्रदेश है, इसलिए पूछ रहा था कौन सा गलत है, तो ये मिजोरम में नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए, इसलिए ये वाला क्वेश्चन गलत होगा, इसलिए उत्तर हमारा क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा था कौन सा कथन असत्य है, जहां तक कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रही होगी, बातें समझ में आ रही होंगी। हम लोग अभी जो है ना थोड़ा सा बात करते हैं एक कि भारत की स्थिति क्या है तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो हम एक लेते हैं नया सा स्लाइड, जैसे या एक जो है ना हम लोग करते हैं आपको ब्राउजर पे जो है ना मैं दिखा रहा हूँ आपको इंडिया का मैप, जैसे ही इंडिया का मैप देखेंगे, इंडिया का जैसे ही मैप खोलेंगे, एक सेकेंड, ये देखा आप लोगों को थोड़ी सी आपको जो है ना ध्यान से देखना पड़ेगा, ये अरुणाचल प्रदेश सबसे लास्ट में, सबसे पहले क्या है अरुणाचल प्रदेश है, सबसे अंत में जो है आपको कौन सा है पूरब में तो अरुणाचल प्रदेश में, तो आपको सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होगा अरुणाचल प्रदेश, थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है विजिबल नहीं है, मैं ही मैप बना लेता हूँ आपको एक नोट्स पे आपको एड करके, तो देखिएगा ये रहा हमारा भारत, ठीक है, तो जैसे ही हम लोग भारत को बनाए तो इसकी स्थिति हमें देखना है, तो ये भारत की स्थिति जो है ना सबसे लास्ट 8 डिग्री 4 मिनट है, क्या है 8 डिग्री 4 मिनट, भारत का जो है ना अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है ना भारत की स्थिति क्या है पूर्वी आपको जो है ना उत्तरी गोलार्ध में है, किसमें है उत्तरी गोलार्ध में, अगर जो है ना पूरे ये वर्ल्ड का मैप है तो आपको भारत की स्थिति यहाँ कहीं पे है, आपको ये भारत उत्तरी गोलार्ध में है,
दूसरी चीज ये आपको पूर्वी गोलार्ध में भी आता है। इधर जो है ना आपको भारत पश्चिम की तरफ नहीं है, भारत किधर की ओर है, पूरे विश्व से कंपेरिजन किया जाए तो ये आपको पूरब की तरफ है। ठीक है, तो ये देखा, सॉरी मैप थोड़ा सा अजीब सा बन गया। ये भारत रहा, तो ये भारत का जो है ना ये 8 डिग्री 4 मिनट, कितना आपको 8 डिग्री 4 मिनट आपको ये से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से कितना 37 डिग्री 6 मिनट, और आपको 68 डिग्री, ठीक है 68 डिग्री किधर की ओर, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री आपको 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट आपको जो है ना उत्तरी अक्षांश में इसका स्थिति है, अक्षांशीय स्थिति हम इसका क्या है आपको 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, अक्षांशीय स्थिति क्या है आपको 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और आपको जो है ना इसका देशांतरीय स्थिति क्या है, ये देशांतरीय ये आपको जो है एक मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट इसकी जो है ना उत्तरी अक्षांश में स्थिति है, किधर की ओर है उत्तरी अक्षांश में, क्योंकि ये पूरा का पूरा भारत जो है ना उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो आपको 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, याद करते चलिएगा। और आपको 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से किधर की ओर है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से आपको 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर ही, ठीक है। तो आपको 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से किधर की ओर से उत्तरी अक्षांश से आपको 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अरे क्योंकि भारत की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो भारत जो है ना आपको उत्तरी गोलार्ध में है, सबसे पहली बात किसमें है आपको उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर की ओर है। तो हमने देखा इसका एक ट्रिक भी है आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां पे जैसे ही आप जो है ना एक लाइन में बढ़िएगा तो यहां पे देखिएगा लास्ट में क्या है आपको 4, यहां पे 8 डिग्री 4 मिनट है, और यहां पे जो है ना 4, यहां के लास्ट में 5 6 7, 4 5 6 7, 4 5 6 7 ऐसे याद कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने देखा 4 5 6 7, इसको जैसे ही हम लोग घड़ी के उल्टा दिशा में चल देंगे, किसके दिशा में चल देंगे घड़ी के उल्टा दिशा में चलेंगे, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या दिखेगा आपको 4, यहाँ के लास्ट में क्या दिखेगा आपको 5, और यहाँ पे क्या दिखेगा आपको 6, और यहाँ पे क्या दिखेगा आपको 7। तो इस तरह से भी हम लोग याद कर सकते हैं। वैसे याद हो गया होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और आपको 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से आपको 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। खैर ऐसे भी ट्रिक है याद करने का, 4 और 2 6, यहाँ पे गैप, और यहाँ पे भी 5 और 2 7, 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप लास्ट में, और यहाँ पे भी लास्ट में 2 का गैप, कम से कम इतना तो याद कर ही सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अन्य लोगों को इसको सेंड कीजिए ताकि वो लोग भी इसका आनंद उठा सके। धन्यवाद।